पता नहीं रोज रोज मुझे मछलियाँ कम क्यों मिलती हैं, जबकि हरिया तो रोज मुझसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाता है। नहीं नहीं, आज मैं भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी गहरे पानी में क्यों न जाना पड़े। हरी राम ज्यादा मछलियाँ पकड़ने के लालच में अपनी नाव को गहरे पानी की तरफ ले जाता है। हाँ हाँ, अब मैं ज्यादा गहरे पानी में आ चुका हूँ, यहाँ पर ज्यादा मछलियाँ होनी चाहिए, चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़ता हूँ। अरे वाह वाह, आज तो पहली बार मैंने इतनी सारी मछलियाँ एक बार जाल फेंकने से पकड़ी हैं। वाह वाह, आज तो मैं बाजार में ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। हरी राम इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सींग वाली मछली आ जाती है और हरी राम की नाव पर जोर से अपने सींग से वार करती है, तो हरी राम की नाव में छेद हो जाता है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी मछली, भाग लो हरी राम, नहीं तो आज समंदर में ही तुम्हारी समाधि बन जाएगी। हरी राम जल्दी जल्दी से अपनी नाव को बाहर की ओर लाता है। बाहर लाते लाते उसकी नाव में काफी पानी भर जाता है, जिसके कारण उसकी नाव डूब जाती है। वह मुश्किल से खुद की ही जान बचा पाता है। राम 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 राम, आज तो मरते मरते बचा, लेकिन मेरी नाव तो डूब गई है, अब मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही एक दूसरी नाव बनानी होगी, मैं कल सुबह ही जंगल जाकर एक अच्छी सी लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगा और अपनी नाव बनाकर मैं फिर से मछलियाँ पकड़ूंगा। सुबह होते ही हरी राम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पेड़ तो इतना मोटा है और कोई पेड़ तो इतना पतला है, मेरी नाव के लायक तो कोई पेड़ मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये पेड़ मेरी नाव के लायक है, चलो मैं इसे ही काट लेता हूँ। उसी पेड़ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं। हरी राम जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर पहला वार उस पेड़ पर करता है। अरे ये शोर कैसा, मुझे लगता है कोई मेरे इस पेड़ को काट रहा है। अरे भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हैं? अरे चिड़िया बहन, मैं यह पेड़ काट कर अपने लिए एक नाव बनाऊंगा। लेकिन भैया, कृपा कर आप इस पेड़ को मत काटिए, इसी पेड़ पर मेरा घोंसला है जिसमें मेरे अंडे रखे हैं। यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मेरे अंडे नीचे गिरकर टूट जाएंगे और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, कृपा कर आप कोई दूसरा पेड़ काट लीजिए। अरे अरे, माफ करना चिड़िया बहन, मुझे पता नहीं था कि आपका घोंसला इसी पेड़ पर है, नहीं तो मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटता, चलो चलो मैं कोई दूसरा पेड़ काट लेता हूँ। हरी राम फिर से दूसरा पेड़ ढूंढने लगता है। अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है। तभी जोरदार हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। अरे राम राम राम, या तो बहुत जोर की बारिश आ गई, अब कहाँ छिपूं, कहाँ छिपूं मैं, मुझे लगता है वहाँ पर कोई झोपड़ी है, चलो चलकर देखता हूँ। बाबा, मैं एक मछुआरा हूँ, आज मैं इस जंगल में एक लकड़ी काटने के लिए आया था जिससे मैं अपने लिए एक नाव बना सकूं, लेकिन लकड़ी तो मुझे मिली नहीं, तभी जोर जोर से बारिश होने लगी,
कृपा कर मुझे आज रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में रुक जाने दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही हरिराम अंदर जाता है तो देखता है एक बूढ़ी महिला खाना बना रही है। हरिराम चुपचाप जाता है और कोने में पड़ी एक चटाई पर लेट जाता है। तभी वह बुढ़िया उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दोनों हरिराम से कुछ छुपा रहे हों। अरे अरे, यह दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है यह दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे यह पता लगाना ही होगा, आखिर ये दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हैं। हरिराम यह सब कुछ सोचने लगता है और चुपचाप सोने का नाटक करता है। अरे भगवान, मुझे लगता है यह आदमी सो गया है। चलो पहले मैं जाता हूँ और फिर तुम बाद में आ जाना। ठीक है ठीक है, तुम पहले चलो, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति अपने संदूक के पास जाता है और उसमें से एक टोपी निकालता है और अपने सिर पर रख लेता है। गीली गीली छू, उड़ जा तो। इतना बोलते ही वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। इसी प्रकार वह बूढ़ी महिला भी संदूक के पास जाती है और अपने सिर पर एक टोपी रख लेती है। गिले गिले छो, उड़ जा तू। इतना बोलते ही वह बूढ़ी महिला भी वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर हरिराम सक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों कहाँ चले गए? हरिराम तुरंत ही संदूक के पास जाता है। अरे ये क्या, इस संदूक में तो एक और टोपी रखी है, तो क्या इसी टोपी की मदद से ही वह दोनों गायब हो गए हैं? चलो मैं भी इस टोपी को लगाकर देखता हूँ। मैंने टोपी तो पहन ली, चलो अब जल्दी से वह मंत्र बोलता हूँ। क्या बोला था उन दोनों ने? हाँ, गिली गिली छू, उड़ जा तू। जैसे ही हरिराम यह मंत्र बोलता है वह तुरंत गायब हो जाता है और वह एक राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है बूढ़ी महिला और वह बूढ़ा व्यक्ति उसी महल में बैठकर खाना खा रहे हैं। हरिराम को वहां पर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चलो चलो भाग्यवान, जल्दी से हम सारे बर्तन अपनी झोली में डालकर यहां से निकल लेते हैं। वह दोनों राजा के घर से सोने व चांदी के बर्तन की चोरी करके उन्हें गरीबों में बांट दिया करते थे। दोनों जल्दी से कुछ बर्तन अपनी झोली में रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, चलो मैं भी जल्दी से कुछ बर्तन उठा लेता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाए, फिर आराम से चला जाएगा। इतना सोचकर हरिराम खाना खाने लगता है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने अपने जीवन में पहली बार खाया है। लेकिन अब मुझे खाना खाने के बाद बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर आराम से चला जाऊंगा। इतना कहकर वह वहीं पर लेट जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते सुबह हो जाती है। तभी वहाँ पर राजमहल का रसोईया आ जाता है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो इसे, आज यह चोर हमारे हाथ लग गया है। इतना सुनते ही सैनिक हरिराम को दबोच लेते हैं और राजा के दरबार में पेश करते हैं। महाराज मुझे चोर दीजिए, मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक मछुआरा हूँ। अरे मूर्ख, यदि तू मछुआरा है तो क्या मेरे महल में तू मछली पकड़ने आया था? अरे मूर्ख चोर मुझसे झूठ बोलता है, रोज रोज मेरे महल में चोरी करता है। सैनिकों इस बेवकूफ को ले जाओ और बीच चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दो, ताकि ऐसा कोई दोबारा करने की सोचे भी नहीं। राजा का आदेश होते ही सैनिक हरिराम को बीच चौराहे पर ले जाकर एक मजबूत लकड़ से बांध देते हैं। अरे राम राम राम, ये कहाँ आकर फंस गया, आज तो मेरी मौत निश्चित है, क्या करूँ, कैसे बचूँ इन सैनिकों से, कुछ ना कुछ तो मुझे उपाय सोचना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, आप मुझे मारने के लिए तो तैयार ही हैं और कुछ ही देर में मुझे मार भी डालेंगे, इसीलिए महाराज मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जिंदा जलाएं, उससे पहले मेरी टोपी मेरे सिर पर रख दीजिए, इससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक राजा होने के नाते मैं तेरी आखिरी इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और इसकी टोपी को उठाकर ले आओ और इसे पहना दो। सैनिक तुरंत ही टोपी लेकर आ जाते हैं और हरि राम को टोपी पहना देते हैं। टोपी को पहनते ही हरि राम खुश हो जाता है। गिली गिली छू, उड़ जा तू। हरि राम तुरंत ही उस लक्कड़ समेत वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों में भगदड़ मच जाती है। अरे भागो भागो, यहां से जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ, यहां पर भूत आ गया है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे लगता है मैं अपने गांव वापस आ गया हूँ। अरे हरि राम भाई, आपको ये क्या हो गया, आपकी ये हालत कैसे हुई, आप तो इतने दिनों से मछलियाँ भी पकड़ने नहीं आए। अरे हरिया भाई, इतने सारे सवाल बाद में पूछ लेना, पहले मुझे इस रस्सी से खोल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं हरि राम भाई, मैं अभी आपको रस्सी से खोल देता हूँ। हरिया तुरंत ही उसकी रस्सियाँ खोल देता है। अरे वाह वाह, जिस लकड़ी की मुझे तलाश थी वह तो मुझे मिल गई। चलो अब इसी लकड़ी से ही अपनी नाव बनाऊंगा। इस प्रकार हरि राम लकड़ी को उठाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं।